हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ रुखसार और आप देख रहे हैं रुखसार व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखा करें ताकि आपको मेरी इस वीडियो से फायदा मिल सके। आज मैं लेके आई हूँ बहुत स्पेशल एक फेस पैक, जिसे यूज करके हम अपनी स्किन को वाइट तो करेंगे, साथ मॉइस्चराइज भी करेंगे, अपनी स्किन से ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करेंगे। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा एक्नी के स्पॉट्स हैं वो भी इससे खत्म होंगे। अगर आपकी स्किन डबल टोन हुई है तो वन टोन में हो जाएगी। आपकी स्किन अगर डिहाइड्रेट है तो वो हाइड्रेट होगी। आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से, सॉफ्ट तरीके से ये मॉइस्चराइज करेगा और आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जिसे यूज करके हम अपनी स्किन को बहुत फ्लोलेस बना सकते हैं, अपनी स्किन को स्पॉटलेस बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही सिंपल होम रेमेडी है जिसे हम यूज करके अपनी स्किन को बहुत अच्छे बेनिफिट्स देंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करे, व्हाइट हो और आपकी स्किन मॉइस्चराइज करे, तो चलिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं ये फेस पैक। 1 टेबल स्पून चाहिए मुझे बेसन का। और हाफ से भी कम लेंगे टर्मरिक पाउडर, हल्दी, ये, और हाफ ही मुझे चाहिए शहद, ये हनी। तो इसको भी हम डाल लेंगे इतना सा। ये इतना सा चाहिए मुझे, तो ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो जो बेसन है वो हमारी स्किन को ब्राइट करेगा, जो हल्दी है वो हमारी स्किन से डार्क स्पॉट्स को लाइट करेगी, और जो हनी है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और हमारी स्किन को रिपेयर करेगा। और इसके बाद हम जो चौथा इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे वो है मिल्क। तो थोड़ा थोड़ा डाल के हम मिल्क, ताकि ये अच्छा सा फेस पैक बन जाए। तो इस तरह से हम इसको करेंगे मिक्स। बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से होना चाहिए कि हमारी स्किन पे अच्छी तरह से लग जाए ये फेस पैक। तो इतने अमेजिंग इसके रिजल्ट है ना ये फेस पैक। आप यूज करेंगे, आप 1 वीक में ही आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। आप पहले इस्तेमाल के बाद ही आपकी स्किन पर जो ग्लो आएगा, जो आपकी स्किन पर एक ब्राइटनिंग आएगी, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट है इसके। अगर आप इसे 1 वीक लगातार यूज करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, आपकी स्किन इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आपकी स्किन हैप्पी तो आप भी हैप्पी। तो ये इस तरह से ये फेस पैक बन गया। तो अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने अपने बालों को बांध लिया है, आप लगाएंगे ये फेस पैक। तो ब्रश से लगा लेते हैं या हाथों से, तो ब्रश से लगा लेते हैं। आपका फेस साफ एंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए उसके ऊपर, और उसके बाद फिर आप फेस पैक अप्लाई करें। अच्छी तरह से फेस को वॉश करके 20 मिनट के लिए हम ये फेस पैक अपने फेस पर लगा रहने देंगे। ये इस तरह से, ताकि अगर हमारी आंखों के नीचे हल्के वगैरह बन रहे हैं तो उनको भी काफी कम कर देगा। इस तरह से फुल फेस पे हम इसे लगा लेंगे।
और लगाकर हम इसे 20 मिनट तक रखेंगे। तो 20 मिनट के बाद मिलती हूँ। ये 20 मिनट हो गए हैं, तो अपना फेस वॉश करके आती हूँ। तो अपना फेस मैंने कर लिया है, ये देखें वॉश। इतनी अच्छी आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्ट एंड स्मूथ, और आपकी स्किन वाइट होना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन जिस तरह से आप इसका यूज़ शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्किन को अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि केमिकल्स वाली क्रीमें यूज़ करने के बाद हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, तो ये इतने नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स है, ये मैंने फेस पैक बनाया है जिसे आप यूज़ करके अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। अपनी स्किन पर किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम्स है, हल्दी से आपकी स्किन जो एंटीबायोटिक होते हैं जो आपकी स्किन को रिपेयर करेगी, आपकी स्किन को ब्राइट करेगी, आपकी स्किन पर जो डलनेस है उसको भी रिमूव करेगी। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है इस फेस पैक के। अगर आप इसे रेगुलर आप 7 डेज का यूज करें, आप देखें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करने और बताना है अगर आपने इसे यूज किया है तो आपको इससे क्या बेनिफिट्स मिले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।